वाले जो क्रेजी और सुल्तान जुड़ेंगे हमारे साथ, मैं आपके पास आना चाहूंगा, बीच में खड़े हो जाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पूछना चाहता हूँ कि सबसे पहला लैन इवेंट है आपका यहाँ पे, प्रेशर महसूस हो रहा है आपको? ऐसे सच कुछ प्रेशर महसूस हो नहीं रहा है, सब यहीं बैठे हैं हमारे साथ खेल रहे हैं, घर पे होती तो बात अलग होती, लैन का कोई प्रेशर नहीं लग रहा अभी हमें। ऑफकोर्स प्रेशर नहीं महसूस हो रहा है, बट इट इज़ ऑलवेज अ स्पेशल ओकेजन जब आप पहली बार लैन पे जाते हैं। बट यहाँ पे मैं बाकी सारी टीम्स की बात करना चाहता हूँ, जब भी आप आते हैं लैन पे या फिर इन टीम्स के सामने खेल रहे होते हो, इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर श्योर। तो दो सवाल है एक सवाल के अंदर, एक आपके लिए सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन कौन सा है, कौन सी टीम है जो आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन, और दूसरा कि कौन सी टीम से आप सबसे ज़्यादा सीख सकते हो? कोई एक टीम नहीं है हमारी कॉम्पिटिशन, हम सबको अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं, और जिस टीम से हम सीख सकते हैं वो आप देख ही रहे हैं, ओआर का परफॉर्मेंस एंड एक्सो का, इनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जी हाँ, उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन बात करेंगे स्ट्रैटेजीज के बारे में। कई टीम्स क्या करती है कि जब लीग स्टेज होता है तो अलग स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं, प्लेऑफ्स और फाइनल्स में अलग स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं, आप कुछ अपने पॉकेट में रखे कि नहीं भाई यहाँ पे एंड में हम अलग स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करेंगे? वो आपको फाइनल्स में पता लगेगी स्ट्रैटेजीज, अभी रिवील नहीं, अभी कोच देख रहे हैं, बताएंगे आप कभी। तो देखिए आपने कहा कि स्ट्रैटेजी बताएंगे फाइनल्स में, कॉन्फिडेंस अच्छा लगा मुझे, इट्स अ नाइस वाइब। बट बात करें BGIS की, यहाँ पे आ गए BMSD में, सफ़र कैसा रहा आपके लिए? बहुत रोमांचक सफ़र रहा, अप्स एंड डाउन हुए, और अभी हम यहाँ हैं लैन में हैं, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं अभी, चल रहा है अभी। जी हाँ, चलते रहेगा आपको भी कहूँगा गुड लक, होपफुली वी सी यू इन द फाइनल।